Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum grade 7. I am your maths teacher and I hope you all are fine. And good morning everyone, grade 7. All of you know, आप जानते हैं कि हम chapter number 1 पढ़ रहे हैं और chapter number 1 में हम finally chapter number 1 की exercise को touch कर रहे हैं, ठीक है. In last lecture में हमने chapter number 1 में exercise 2 के question number 1 को attempt किया था, जो कि था fill in the blanks, ठीक है. अब हमने question number 2 को touch करना है, जो कि है true false. तो आप सब page number 17 ओपन कर लें बुक से, ठीक है, और इन कॉन्सेप्ट्स को गौर से समझें, ठीक है. आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर था फॉर्मिंग का ट्रू और फॉल्स, ठीक है, कि इनमें से क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है. तो नंबर 1 को देखें. नंबर 1 है आपके पास 0 इज अ नल सेट, कि 0 आपके पास क्या है, एक नल सेट है. नो, 0 आपके पास एक नल सेट नहीं है. देखें, 0 खुद एक एलिमेंट है जो कि सेट के अंदर कंटेन कर रहा है, ठीक है. तो 0 आपके पास क्या है, नल सेट नहीं है, ठीक है. तो ये आपके पास क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है. तो आपने आगे लिख दिया फॉल्स, एफ लिख दिया, ठीक है. देखिए, अगर आप इसी का पार्ट 2 देखें तो पार्ट 2 क्या है, इक्विवेलेंट सेट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है. इक्विवेलेंट सेट में आपके पास क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. तो ये क्या है आपके पास, ये ट्रू है, क्योंकि देखिए आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में इक्वल और इक्विवेलेंट में डिफरेंस करना सीखा है, ठीक है. इक्विवेलेंट के लिए आपके पास एक शर्त होना जरूरी है कि क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, एक सेट की क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट दूसरे सेट की क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट के इक्वल आए, ठीक है. यानी कि इनमें एलिमेंट्स की तादाद एन ऑफ ए एन ऑफ बी के इक्वल आए, ठीक है. और इक्वल सेट होने के लिए ज़रूरी है ना सिर्फ तादाद इक्वल आए, बल्कि इन एलिमेंट्स का सेम होना भी, एक्जैक्टली सेम होना ज़रूरी है, ठीक है. सो हमने कह दिया कि इक्विवेलेंट सेट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, कि उसमें एलिमेंट्स की क्वांटिटी सेम होती है. तो ये क्या है, ये ट्रू है. तो आपने टी लिख दिया, ठीक है. तरह से अगर आप क्वेश्चन 3 को देखें तो क्वेश्चन 3 है, द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज इनफिनिटी, ठीक है. तो वो कह रहे हैं किसी भी सेट की जो कार्डिनलिटी है पॉजिटिव इंटीजर्स की, वो इनफाइनाइट होती है, जो अनलिमिटेड होती है, जो कि ट्रू है, ठीक है. इसी तरह अगर आप क्वेश्चन 4 को देखें तो क्वेश्चन 4 है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ नल सेट देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन मेंबर, ठीक है. अगर ए और बी आपके पास दोनों जो है एम्प्टी सेट है, तो दोनों में क्या होगा, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा. तो ये भी क्या है आपका, ट्रू है, ठीक है. इसी तरह अगर आप पार्ट 5 को देखें, द डिफरेंस बिटवीन टू सेट इज़ इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट, तो लिखा हुआ है कि दो सेट्स का जो लास्ट पार्ट है, अगर आप देखें लास्ट पार्ट को, तो लिखा हुआ है कि दो सेट्स का जो डिफरेंस है वो इक्वल होता है इनके इंटरसेक्शन ऑफ सेट के, ठीक है. नो, दो सेट्स का जो डिफरेंट है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट, नो इज इक्वल टू ए स्लैश बी, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, फॉल्स हो जाएगा. अब आप तेरा क्वेश्चन 3 पर आएँ, ग्रेड 6. ऑल ऑफ यू ओपन बुक पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इफ ए इज इक्वल टू 2/6/8 एंड बी इज इक्वल टू 1/3/5/7, पॉइंट ए यूनियन बी, ग्रेड 7. अब आप देखें, आप सब लोग ए यूनियन बी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आप वर्बली मुझे यहाँ से बुक से देखकर बता सकते हैं कि ए यूनियन बी क्या होगा. देखें, ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो ए और बी दोनों में कंटेन करते हैं, ठीक है. तो हम कैसे सेट बनाएंगे, हम बनाएंगे 1 2 1, देखें बी में आ रहा है 2 ए में, 1 2 3 बी में आ रहा है 4 ए में, 1 2 3 4 5 बी में आ रहा है 6 ए में, 1 2 3 4 5 6 7 बी में आ रहा है 8 ए में, 1 2 3 4 5 6 7 8. आप इस तरह करके ए यूनियन बी बना लेंगे. देखिए, मैंने आगे इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है. इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे. आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें. क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए इज इक्वल टू 3/6/9 एंड बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, फाइंड ए यूनियन बी, ठीक है. आप देखिए कि अगर ए आपके पास है 3/6/9 और बी आपके पास एक एम्प्टी सेट है, तो आप इसका ए यूनियन बी फाइंड आउट करें, ठीक है. तो आपके पास ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी में देखिए आपके पास वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, ठीक है. तो आपके पास ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, 3/6/9, क्योंकि बी तो एम्प्टी है, बी में अगर कोई एलिमेंट होता तो वो भी साथ आ जाता विदाउट रेपिटेशन के, ठीक है. राइट, ग्रेड 7. जो मेरा आज का लेक्चर था वो इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड था. आई होप कि आपको ये कौन से क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे. राइट, ग्रेड 7, आप लोग अपनी टॉपिक्स में इस फाइल्स को, इस डेफिनेशन को, इस एग्जाम्पल्स को प्रॉपरली सॉल्व करें, ठीक है. और इस चैप्टर के नोट्स बनाएं अच्छे से, ठीक है. और जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो मुझसे अगेन एंड अगेन पूछिए. इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चैप्टर क्लियर करा सकूँ, ठीक है.
ग्रेड सेवन चैप्टर में प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ आपने आगे एक्सरसाइज में प्रूव करनी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आप सब इन प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से देखें, वेन डायग्राम को बहुत अच्छे से देखें, ठीक है। ऑपरेशन एंड सेल्स के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। ऑल आउट ग्रेड सेवन, गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।